हे अस्सलाम वालेकुम एवरीवन कैसे हैं आप सब वंस अगेन वम वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल तो आज का व्लॉग सुबह ही सुबह से शुरू हो रहा है अभी मैं कुछ देर पहले अपने बच्चों को स्कूल ड्रॉप करके आई हूँ तो माशाल्लाह माशाल्लाह आज उनका सेकंड डे था कि वो स्कूल जा रहे हैं और बस मुझे ये था कि घर दो से तीन दिन हो गए थे घर की सफाई नहीं हुई थी तो मैंने घर की आते क्लीनिंग स्टार्ट कर दी थी और अंदर से मैंने सारा जो है ना वो झाड़ू वगैरह लगा दिया था अब टेरेस की बारी थी और दो दिन से इतनी तेज़ हवा चल रही है लाहौर में इतनी तेज़ के डस्ट भी आ रही है और पत्ते जो है ना वो दरख्तों के सारे या तो टेरेस पे आ जाते हैं और नीचे स्टेयर्स पे और मतलब बहुत बुरा हाल हुआ हुआ था और अगर बाहरी टेरस की और स्टेज वग़ैरह की सफ़ाई ना करो ना तो फिर अंदर क्लिनिंग करने का कोई फ़ायदा नहीं होता वो सारी डस्ट और वह सारी गंदगी जो है न वो शूज़ के साथ अंदर जा रही होती है फिर से तो बच्चे दो दिन से नहीं है तो मुझे इतना अजीब भी लगता है एक आदत हो जाती है ना माँ को कि मतलब हर काम में बच्चा डिस्टर्ब कर रहा है तो माँ उसकी आदी है और मुझे इतना अजीब लगता है कि घर में खाली और खामोशी और मैं बड़े सुकून से अपना काम कर रही हूँ वो डिस्टर्बेंस जो है ना मैं बहुत मिस करती हूँ बच्चों की और तेज़ हवाओं के शोर के साथ इतने ज़्यादा पत्ते टूट के बिखरे होते हैं ना टेरेस पे और नीचे स्टेयर्स पे सारे तो ये चीज़ मुझे इतनी उदास भी करती है इतनी तेज़ हवा थी और हवा का शोर मुझे बहुत ज़्यादा उदास कर देते हैं और लिटरली मुझे फिर मुल्तान भी बहुत ज़्यादा याद आता है इन तेज़ हवाओं के शोर से अपनी अम्मी वाला घर जहाँ शादी से पहले मैंने टाइम गुजारा अपने इन लॉस का भी तो बस ये सहन की सफाई रह गई थी मैंने कहा बच्चों को मैं पहले ले आऊँ और बच्चों के आने से पहले पहले मैंने अपने अंदर की ऊपर सारी मोपिंग वगैरह कर ली थी मैंने कहा बच्चे फिर बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब करते हैं तो अपनी अंदर की सफ़ाई डन करके जाती हूँ फिर बाकी जो है आ कर अपनी सारा काम कंटिन्यू करूँगी और आजकल कर माशाला रूटीन इतनी अच्छी बन गई है कि हम सुबह सुबह उठ जाते हैं और मैं आठ साढ़े उठ जाती हूँ और बाकी यार सुबह सुबह उठ इतनी मतलब फ़्रेश फीलिंग आती है और आप इतना एनर्जेटिक रहते हो सारा दिन बस रात फिर आपका दिल करता है कि जल्दी से बिस्तर पर घुस जाओ जैसा कि मैंने आपको बताया कि आज माशाल्लाह बच्चों का सेकंड डे था स्कूल में तो मैंने सोचा कि इन्हें थोड़ा सा ट्रीट दूं और ये वाला जो मैंने रेडी रेसिपी ली थी केक के आज ये ट्राई करूं और बच्चों को बना के जो है ना वो सर्व करूं तो इसका जो बेकिंग प्रोसीजर है ना वो सारा पीछे लिखा हुआ था और मैंने उसको अच्छे से रीड आउट कर लिया था तो अब मैं आपके साथ भी रेसिपी शेयर करूँगी कि ये कैसी बनती है और अगर आप भी घर में इसको ट्राई करें तो जो टिप्स मैंने छोटी छोटी फॉलो की आप भी उसको फॉलो करें ताकि आपका भी जो ये मिक्स रेसिपी वाला केक है ना वो अच्छा बन सके तो लेट स्टार्ट द रेसिपी बिसमिल्मा ये वाला मैंने सारा जो इसका मिक्सचर था एक बाउल में निकाल लिया अब कप का चौथा हिस्सा जो है ना इसमें हमने पानी ऐड करना है लाइक आधा कप होता है ना आधे कप का भी आधा और पानी ना तो आपका बहुत ठंडा हो ना तो आपका गर्म पानी हो बस रूम टम्परेचर का पानी आपने इसमें डालना है और कप आपने वही लेना है ताकि आपकी मेयरमेंट जो है ना वो सेम रहे और उसी कप में मैंने सेम पानी की क्वांटिटी जितना ऑयल ले लिया लाइक अगर आपने Uh, कप का चौथा हिस्सा पानी लिया तो कप का चौथा हिस्सा ही आपको ऑयल चाहिए होगा और बस हम इसको अच्छे से अब मिक्स कर लेंगे और इसके बाद हम इसमें दो अंडे ऐड कर देंगे और जब भी आप केक बनाएं या कोई भी अपनी बेकरी के आइटम बनाए ना तो मेक श्योर कि आपके अंडे रूम टेम्परेचर के हों आपने फ्रिज वाले अंडे बिल्कुल यूज़ नहीं करने लाइक चार से पाँच घंटे पहले आप अंडे निकाल के अपने बाहर रख दें ताकि वो रूम टेम्परेचर में आ जाए और ठंडे अंडे आपने कभी भी यूज़ नहीं करने हैं फ़्रिज वाले और अब बारी आ जाती है इसकी अच्छी सी मिक्सिंग की क्योंकि सिर्फ इसमें तीन इंग्रेडिएंट्स ही जाने थे पानी ऑयल और दो अंडे आप इसको अच्छे से मिक्स करना है इसकी बैक साइड पे मेकिंग प्रोसीजर पे लिखा हुआ था कि बीटर को आपने पहले एक मिनट के लिए लाइट स्पीड में और उसके बाद दो मिनट के लिए तेज़ स्पीड से बीटर से इसको बीट कर लें लेकिन मेरे पास तो उनकी इलेक्ट्रिक बीटर नहीं है तो मैं हैंड बीटर से ही इसको बहुत जान लगा कि मैंने जो है ना पाँच से दस मिनट के लिए इसको बहुत अच्छे से मैंने बीट कर लिया था और उसके बाद कोई पैन ले लें जिसमें आपने केक बेक करना है तो उसको ऑयल से अच्छे से ग्रीस कर लें जब सारा पैन आपका ऑयल से ग्रीस हो जाए तो उसमें आप मैदा जो होता है ना वाइट फ्लोर ऑल पर्पल फ्लोर वो डस्ट कर दें और इसको अच्छे से कोट कर दें ताकि जब हम इसमें अपना मटीरियल uh, डालें ना और जब केक बेक हो जाए तो वह आराम से ईजीली निकल आए क्योंकि मेरे पास बटर पेपर भी नहीं था और न्यूज़ पेपर भी नहीं था तो ये वाली ट्रिक वैसे बहुत बेस्ट रहती है और उसके बाद जो इतना भी आपका मिक्सचर होगा ना वो आप इसमें डाल दें सारा अच्छे से और बस ये जो आपका बैटर है वो बिल्कुल रेडी हो गया बेक करने के लिए और एक और टिप जब भी आप अपना केक बेक करें ना अपने बैटर को तीन से चार बार इस तरह टैप टैप ज़रूर करें ताकि जो बबल्स अंदर होना वो ख़त्म हो जाए और केक आपका इवनली स्मूद हो जाए तो प्रेशर कुकर को मैंने जो है ना पाँच मिनट पहले ही चूल्हे पे रख दिया था ताकि प्री हीट हो जाए और मीडियम आंच पे मैंने इसको पाँच मिनट के लिए प्री हीट किया अब बहुत एहतियात के साथ मैं मोल्ड इसके अंदर रख दूँगी और ये जो प्रेशर कुकर है ना बिल्कुल रेडी हो गया केक को बेक करने के लिए तो बस नीचे कोई भी आपने बर्तन नहीं रखना डायरेक्ट अपना पॉट रखते हैं प्रेशर कुकर के अंदर और और प्रेशर कुकर की लिड देख इसको इस तरह फिक्स कर दें जैसे हम प्रेशर कुकर लगाते हैं ना कोई भी चीज़ गलाने के लिए तो इसको बिल्कुल टाइटली बंद करके बस आँच आपने जो है ना वो हल्की कर देनी है और साथ ही आप अपना टाइम भी नोट कर लें और जैसे मेरा केक बेक होता है तो मैं आपसे शेयर करती हूँ लेकिन उससे पहले यहाँ पर मैंने असर की नमाज़ अदा कर ली और अब मैं दुआ कर रही हूँ और आज जो है ना वो 20 फरवरी है और मेरी सास मेरी मदर इन लॉ उनकी आज बरसी भी है आज उनको हमसे बिछड़े हुए तीन साल हो गए हैं तो बस मैं उनके लिए दुआ मखफत कर रही थी कि अल्लाह पाक उनकी दर्जात बुलंद करे, उनको जन्नतफरदोस में अला मकाम दे, उनकी बख्शिश फरमा दें और वही दिन मेरे माइंड में चल रहा था कि कैसे असर के बाद उनका जनाजा था और वह सब कुछ अच्छी बुरी यादें सब मेरे दिमाग में चल रही थी इस दिन के हवाले से और बस आप लोग भी जो है ना सुरफ़ आते पढ़ मेरी आ, सास के लिए मेरी मदर इन लॉ के लिए जो है ना दुआ मत जरूर कर दीजिएगा और जिसका भी प्यारा जिसके भी माँ बाप सास उ कोई भी प्यारा इस दुनिया से जा चुके हैं ना अल्लाह सबकी मफफित कर दे और कुछ मैंने कहा चले मैं कुरान पाक थोड़ा सा पढ़ कर एक सूरत पढ़ कर उनके लिए दुआ कर दूँ और वैसे भी मुल्तान वाले घर में आज कुरान खानी भी है और हम लोगों ने देख वगैरह भी बनवाई थी वहाँ पे फादर इन लॉ ने तो साथ में कुरान खानी भी होगी और खाना वगैरह तकसीम होगा तो बस मैंने कहा हम जा तो नहीं सके लेकिन मैं इतना कर सकती हूँ कि नमाज़ पढ़ी और उनके लिए जो है ना वो दुआए मफ़रत करी और कुरान पाक पढ़कर उनको बख्शा और यही सब कुछ रह जाता है यार हमने भी एक दिन चले जाना है तो कोई हमारे लिए भी एटलीस्ट इतना कर दे तो इससे बड़ा और क्या होगा तो बस यहाँ पे चालीस मिनट का टाइम हुआ तो मुझे हल्की हल्की सी खुशबू आने लगी तो मैंने प्रेशर कुकर ओपन किया तो माशाल्लाह केक बेक हो चुका था बस टूथपिक की हेल्प से आपने चेक कर लेना अगर तो बेटर आपका बिल्कुल आपकी टूथपिक बिल्कुल साफ निकले तो इट मीनस कि आपका केक जो है ना वो बेक हो गया और ये अपने मोल्ड में से इतने आराम से निकल आया था ना तो बस केक की खुशबू तो बहुत प्यारी थी और इसका कलर भी बहुत प्यारा आया था अच्छा मैं चूँकि ये फर्स्ट टाइम रेडी रेसिपी ट्राई कर रही थी तो मैंने सोचा था कि अगर ये अच्छा बेक हो गया ना तो नेक्स्ट टाइम जब भी मैं इसको लूँगी ना साथ में मैं इसकी जो है ना फ्रॉस्टिंग वगैरह जो केक की क्रीम होती है वो बिल्कुल तैयार करके बहुत अच्छा सा केक रेडी करूँगी लेकिन अब जो है ना मैं सिर्फ हम इसको सिंपल चाय के साथ इंजॉय करेंगे तो मैंने इसकी स्लाइस वगैरह बना के जो है ना एक कंटेनर में रख दिए थे कि अब शाम को हस्बैंड आएंगे तो बस चाय के साथ हम सब बैठ के जो है ना इसको इन्जॉय करेंगे लेकिन बच्चों को जो है ना मैंने पहले ही सर्व कर दिया था क्योंकि उनको बहुत जल्दी खुशबू आ जाती है कि मम्मा केक हमारा बेक हो गया और देवर वेटिंग केक कब जो है ना केक बेक होगा और ट्रस्ट में मैंने बनाया भी बच्चों की खुशी सेलिब्रेट करने के लिए था तो बस मैंने घर की जो है ना वो हल्की हल्की सी डस्टिंग कर दी थी और उसको थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दिया था और आज मैंने अच्छे से डीप क्लीन कर ली और मुझे इतनी ज़्यादा खुशी हो रही थी अपना पूरा घर देखकर तो बस जब साफ़ सुथरा हम क्लीन फर्श देखते हैं ना तो बस मैं कहती हूँ सारी थकन उतर जाती है जब शाम के खाने की तैयारी का वक्त था तो आज डिनर में बन रही थी चिकन कढ़ाई तो मैंने सोचा कि मैं आपसे रेसिपी भी शेयर करती हूँ और यह बहुत जल्दी बन जाती है जस्ट थर्टी मिनट्स इसको लगते हैं अगर आपने पहले से जो है ना वो कटिंग वगैरह की हुई है तो बस हमने कढ़ाई में जो है ना ऑयल लिया और ऑयल को अच्छे से गर्म कर लिया और उसके बाद हमने अपना चिकन ऐड कर दिया और साथ में दो चम्मच जो है ना वो हरी मिर्चों का मैंने पेस्ट ऐड कर लिया है और चिकन जो है ना हाफ के से थोड़ा सा ज़्यादा है तो बस अब हम इसको जो है ना अच्छे से फ्राई कर लेंगे इस चिकन को हरी मिर्चों के पेस्ट के साथ ऑयल में और चिकन कढ़ाई बनाने के यार एक एक तरीके हैं आप किसी भी तरह से बनाए ना चिकन कढ़ाई मेरा ख्याल है तो इंस्टेंट बन जाती है और बहुत ही मज़े की यमी बनती है और बस इसको दो से तीन मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर दूंगी आप अपने मसाले जो है ना वो सारे अपनी क्वांटिटी के हिसाब से डालिएगा और हम लोग थोड़ी सी तेज़ नमक मिर्च पसंद करते हैं लाइक नमक नॉर्मल हो लेकिन मिर्च थोड़ी सी फ्लेवर फील हो तो बहुत मज़े का लगता है अब साथ में मैंने इसमें जो है ना अनियन ऐड कर दिया वो मैंने चॉप किया हुआ था आप चाहें तो अनियन को पहले भी ऐड करके फ्राई कर सकते हैं और फिर चिकन ऐड करें या फिर चिकन फ्राई करने के बाद मेरी जरा आप इसमें अनियन डाल दें तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा दोनों तरीके से कढ़ाई आपकी बहुत अच्छी और यमी बनेगी इसको भी हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे और साथ में अपने स्पाइसेस ऐड करेंगे थोड़ी सी मैंने अपने हल्दी डाल दी थी और साथ ही आधा चम्मच है ना लाल मिर्च डाली क्योंकि इसमें हरी मिर्च जाएगी तो इसलिए अपने लाल मिर्च है ना बहुत मतलब नॉर्मल डालनी है और बस दोबारा से हम इसको फ्राई कर दे रहेंगे और उसके बाद मैं इसमें ऐड कर दूंगी लहसुन और अदरक का दो चम्मच पेस्ट और फिर इसको जो है ना फ्राई करते रहेंगे बस चिकन कढ़ाई में यही होता है कि आपने आंच मीडियम रख के तो अपने चिकन को जो है ना हर स्पाइसीज़ और हर इंग्रेडिएंट के साथ फ़्राई करना होता है और चिकन जितने अच्छे से भुनेगा उतनी अच्छी जो है ना आपकी टेस्टी कढ़ाई बनेगी सो चिकन यहाँ पे जो है ना वो दस मिनट के लिए भून चुका था अच्छे से तो मैंने हल्का सा पानी ऐड कर दिया ताकि इसका मसाला जो है ना वो नीचे पॉट के साथ ना लगे और ये जो मसाला है वो हल्का हल्का मैश भी होता जाए पानी के साथ थोड़ा सॉफ्ट हो जाएगा पानी डालने से और इसके बाद तीन टमाटर लेके मैंने अच्छे से वॉश किए और में से कट लगा कर इसके अंदर रख दिए और इसके बाद इसको ढक दिया और हल्की आंच कर दी तो चार से पाँच मिनट बाद टमाटरों की हालत कुछ इस तरह से हो जाती है सॉफ्ट हो जाते हैं और उसका छिलका ख़ुद ही अलग हो जाता है तो आप एक चिमटा लेकर उसकी हेल्प से सारे इसके जो छिलके वो रिमूव कर दें और फिर थोड़ी सी मेहनत करें और चम्मच के साथ जो तो है वो टमाटरों को इस तरह मिक्स करते जाएँ तो आपका मसाला बहुत अच्छे से भुनता जाएगा और एक और आसान तरीका भी होता है कि आप सारा चिकन अपना एक प्लेट में निकालें और इस मसाले को अच्छे से वो जग में डाल के ग्राइंड कर लें, तो क्या टेस्टी और यमी कढ़ाई बनेगी लेकिन मेरे पास तो क्योंकि टाइम नहीं था मैंने सोचा कि बस मैं इसके अंदर इसको जो है ना भून लूंगी अच्छे से और साथ में मैंने जीरा ऐड कर दिया था और थोड़ा सा जो है ना वो गर्म मसाला पाउडर ऐड कर दिया था तो बस साथ साथ में इसको भूनती रहूँगी अच्छे से और टमाटर जो है ना बिल्कुल मैश हो जाएंगे तो दही लेकर ना जो थिक योगर्ट होता है फुल क्रीम उसके अंदर मैंने जो है ना वो हरी मिर्चें दो तीन पेस्ट कर ली थी आ, दही के साथ इसको अच्छे से इसका पेस्ट बना लिया था और अब मैं वो इसमें ऐड करके तो इसको अच्छे से सारा मिक्स कर दूँगी और बस दम पर रख देंगे तकरीबन बहुत हल्की आंच में आपने पाँच से दस मिनट के लिए इसको दम पे रख देना है। तो बस ये ख़ुद ही भुन जाएगी और इसका ऑयल जो है ना वो किनारों से अलग होता जाएगा तो बस आपकी जो टेस्टी और यमी सी कढ़ाई है ना वो बहुत मजे की इंस्टेंटली रेडी हो जाएगी सो बस अपने व्लॉग को भी मैं यही पेंट कर दूँगी मकरब की अज़ानें यहाँ पर हो गई हैं और अगर व्लाग कंटिन्यू किया तो बहुत लंबा हो जाएगा सो आई होप यू लाइक द वीडियो अपना रखें बहुत सारा ख्याल थैंक यू ऑल सो मच फॉर वॉचिंग टेक केयर अला हाफेज